खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राजभवन में 3 दिवसीय वसंत उत्सव के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, समारोह में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसी दौरान आयोजित समारोह में राज्यपाल ने बताया कि 3 दिवसीय वसंत उत्सव में फूलों की प्रदर्शनी के लिए आम जनता को 1 मार्च से 3 मार्च तक राजभवन में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाएगी और आम जनता फूलों की प्रदर्शनी को देख सकेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवधीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज का जो वसंत उत्सव है, ये पर्व है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मैं कहूंगा पर्व है। और एक बात पक्की है कि उत्तराखंड सचमुच में पुष्प प्रदेश बन गया है। और यहाँ पर एक अलग बात है, हमारे फूलों के अंदर में जो दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है, वो पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। आज सबका, हर एक उत्तराखंडी का, हर एक भारतीय का उत्साह देखकर, उनका पुष्पों के साथ प्यार देखकर, उनका हनी के साथ प्यार देखकर, उनका प्रकृति के साथ प्यार देखकर बिल्कुल अलग ही एक आनंद आ रहा है। और मैं कहूंगा आज बहुत ही हम सब ने इकट्ठा होकर, पूरे परिवार इकट्ठा होकर आज एक डाक टिकट जारी किया है, वो थुनेर के बाद, वो थुनेर जो हमको औषधीय सहायता देता है बीमारियों में, कैंसर में। और प्रभु का, शिव जी का, वाहेगुरु का इतना आशीर्वाद है कि जो हमारे पुष्प हैं, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, वो पूरे विश्व में एकदम अलग है। आज एक और प्रथम बार जो चीज हो रहा है वो हाइड्रोपोनिक प्लांट्स के बारे में है, उसकी टेक्नोलॉजी से किस प्रकार पानी के अंदर ही आप उगा सकते हैं।